हे गाइस, वेलकम बैक टू रिदम माहीवे। इस वीडियो में मैं आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10 से 12 तुलसी पत्ता लिया है। मैं उसके सीड भी यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप भी डालें। यहाँ पे मैंने 8 से 10 काली मिर्च ली है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 इंच के बराबर दालचीनी लिया है, 4 से 5 लौंग लिए हैं, 2 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची लिया है, 1 तेज पत्ता लिया है, 2 इंच के बराबर अदरक लिया है, 1 गिलोय का पत्ता लिया है और थोड़ा सा गुड़ लिया है। आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन रखा है। अब हम इसमें 3 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे पानी हल्का गुनगुना हो जाए तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल देंगे, पर ड्राई स्पाइसेस को हम यहाँ पे क्रश करके डालेंगे। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे जब तक कि पानी में उबाल ना आ जाए। ये देखिए, अब इसमें बॉईल आने लगा है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब हमें इस काढ़े को 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे ही पकाना है, जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट काढ़ा हमारा बन चुका है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा गुड़ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमारा काढ़ा अब तैयार हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। इस रेसिपी को आप जरूर अपने घर में बनाएं और बच्चे बड़ों सबको पिलाएं। इसे आप 1 से कम साल के बच्चों को ना दें, 1+ में ही इस काढ़े को देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है तो आप उसे 1 चम्मच दे सकते हैं। 2 साल से बड़ा है तो आप उसे 2 से 3 चम्मच दे सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।